गाइस, टाटा ने अपने कस्टमर्स का इंटरेस्ट रिवाइव करने के लिए अपनी गाड़ियों को डार्क एडिशंस में लॉन्च करना स्टार्ट किया था, जिसकी स्टार्टिंग की थी हैरियर के साथ। और अब देखिए, इसी लिस्ट में दो नई गाड़ियां जुड़ने वाली हैं, जो कि होने वाली है नेक्सॉन और अल्ट्रोज। और गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों गाड़ियों के बारे में, और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों ही गाड़ियां डार्क एडिशन में दिखने वाली हैं। तो अगर आपको इन केस ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो जैसा हैरियर के साथ हुआ था, ये जो अल्ट्रोज और नेक्सॉन होने वाली हैं, दोनों ही गाड़ियाँ पूरे ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आने वाली हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि अल्ट्रोज और नेक्सॉन दोनों में ही जो चेंजेस होने वाले हैं वो केवल कॉस्मेटिक अपडेट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और इसमें मिल जाएगी, जो कि डार्क का लोगो होने वाला है क्रोम बैज के साथ। इन दोनों ही गाड़ियों के आपको साइड में भी केवल एक ही चेंज देखने को मिलने वाला है, जो कि इसके अलॉय व्हील्स होने वाले हैं, जो कि ऑल ब्लैक फिनिश के साथ आएंगे। अगर इंटीरियर्स की बात करी जाए तो इंटीरियर्स भी एकदम ब्लैक होने वाले हैं इस बार, और पियानो ब्लैक का भी यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। एक चीज़ और जो इसमें नोटिसेबल आपको देखने को मिल जाएगी इंटीरियर में दोनों ही गाड़ियों के अंदर, आपको दोनों ही गाड़ियों का जो नाम है यानी कि अल्ट्रोज और नेक्सॉन, वो डैशबोर्ड के एकदम सेंटर में भी एनग्रेव देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और बढ़िया लग रहा है देखने में। सो गाइज, ये कुछ एक नया अपडेट था अल्ट्रोज और नेक्सॉन के डार्क एडिशन के बारे में। आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में, मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा इस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अब मिलेंगे फाइनली अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ़।